pursue our next step. As we learn tenses. In previous class, I have taught you the present indefinite tense and the introduction of past indefinite tense. So, in this class, I will teach you some rules to fill the gaps in past simple tense. इंडिया
गेट की सेकेंड फॉर्म होती है यहाँ पे गॉट. इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश. तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही ऑलवेज यूज करनी होगी. Now see the sentence. Look at the sentence. Last year we dashed to Manali in June. The form is go. Now we have to use the correct form of this verb to fill in this space. Okay. So which form we will fill here? We fill second form. Okay, because this is a past tense indication. Okay, last year tells about the time which had already. पिछले साल हम मनाली गए थे जून में. जून का महीना अभी भी चल रहा है लेकिन हम कर रहे हैं लास्ट ईयर वाले जून की बात. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट ईयर वी वेंट टू मनाली इन जून. तो किड्स ये है रूल नंबर वन. आपको फॉर्म फिल करने के लिए इंक वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, सिंगल वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा. नाउ द रूल टू, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सीख रहे हैं क्लास 6 पार्ट 7. The events or actions which happened in the past. Okay, it means जो ऐसे घटना या ऐसे काम जो past में हो चुके हैं, okay, और famous भी हो, okay, for and famous too and famous also. हाँ आप ऐसे को बहुत सारी मैं आपको इवेंट्स बता सकती हूँ. हम यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे. फॉर एग्जांपल इन 1948 आप ध्यान देना, ये बहुत ही पॉपुलर सॉरी फेमस घटना थी. इन 1948 महात्मा गांधी डैश शॉट बाय माथुराम गोडसे. ओके, माथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 1948 में एक सभा में शॉट गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी. ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड फेमस इवेंट था. ठीक है, मतलब ये इतना लोगों को पता था कि गांधी जी को किसने मारा था, नाथुराम गोडसे ने मारा था. तो सर उसके पीछे कुछ भी होगा बट जिसने मारा था वो नाथुराम गोडसे था. और ये घटना न्यूज़पेपर्स में हर जगह बहुत ज्यादा पब्लिश हो गई थी. तो दिस इज, अब यहाँ पे मैंने बी लिया है. मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट बी फॉर्म की प्रेजेंट फॉर्म्स होती है इज आर एंड पास्ट होती है वाज वर. देन वी विल यूज हियर द पास्ट फॉर्म वाज, बिकॉज गांधी जी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए ना उसके. तो गांधी जी वॉज शॉट बाय नाथुराम गोडसे. ओके, अगेन अंकल. ओके,
डैश वन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का ये हुआ था ना अकबर में और महाराणा प्रताप में, उसको जीता किसने था, उसको अकबर ने जीता था ना। तो भी की यहाँ पे हम कौन से फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। वी विल राइट द सेकंड फॉर्म ऑफ बी, इट इज वन। सो द किंग अकबर वन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ओके, the battle of Panipat, the battle of Panipat, Panipat का युद्ध कहाँ लड़ा गया था आपको पता ही है, Panipat में लड़ा गया था ना, और किसके द्वारा लड़ा गया था, मराठास और मुगलों के बीच में। The battle of Panipat dash fought between the Marathas and the Mughals. Mughals and Marathas के बीच में Panipat का battle बहुत famous हुआ था और ये Marathas and Mughals के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे भी हम बी की form लेंगे was, क्योंकि battle singular subject है ना, so that is why I am taking was, the battle of Panipat. Okay kids, another example. So kids, read the sentence. The two tallest buildings of America in New York, named the World Trade Center. उस टाइम की हिस्टोरिकल घटना थी जो आज तक हम उसको 9/11 के नाम से
famous incident or famous historical event of the year of 2001 और आप यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो बीता हुआ साल मिल जाता है, ठीक है, और सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का कोई हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो किड्स आज हमने जैसे दो रूल सीखे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, नेक्स्ट सम रूल्स आल्सो विल बी टोल्ड टू यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द करंट क्लास एंड आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज टू फिल द गैप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.